हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं रेड कलर की बिंदी बना के आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से रेड कलर की बिंदी बनाई जाती है। यह सारा मटेरियल है हमारे पास, इसी से बनाना है हमें एक बिंदी जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बिंदी निकल बनाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, अंत तक आपको सारा जानकारी दी जाएगी। तो अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके और भी इस चैनल। यह हमारे पास काट, इस पर हम लोग लगाएंगे इस तरह से पन्नी और ये पन्नी लगने के बाद फ्रेंड इसके ऊपर जो है कि इस तरह से इसे फोल्ड करना है हमें। उसके बाद जो है कि फ्रेंड इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हमें चिपकाना है बिंदी जो कि ये हमारे पास रेड कलर की बिंदी, तो इसको हम चिपकाते हैं। डिज़ाइन दे रहे हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से हम देंगे इसके ऊपर 7 बिंदी का डिज़ाइन जो कि इस तरह से होगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी बिंदी बनाकर आप लोगों को दिखाने वाले हैं किस तरह से बनता है और कैसे कैसे क्या क्या लग रहा है। तो आप लोग भी सीख सकते हैं और इसी तरह की बिंदी बना सकते हैं घर पर भी, या फिर अगर जो आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको भी बनाने में इस तरह के सिंपल देख सकते हैं तो किस तरह से ये बिंदी बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर हमने वाइट चेप लगाया है और इसके ऊपर फिर एक चेप लगाएंगे हम लोग रेड कलर का जो कि इस तरह से होगा। तो इसे भी हम लोग लगा लेते हैं फटाफट से और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हमने 3 बिंदी चिपकाया है, पहले रेड चिपकाया फिर वाइट फिर रेड। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे, ये है हमारे पास ये मेटल है, टिग्गी मेटल इसको बोलते हैं, वाइट में है। तो इसको जो है कि हम लोग बिंदी के ऊपर लगाने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए ये है हमारे पास मेटल, इसी मेटल पर हम जो है कि स्माइल को बनाने वाले हैं। तो इसको करते हैं साइड में पहले और पत्ते पे हम मार देते हैं गोंद इस तरह से, सारे बिंदी पे गोंद लगा दीजिए, हल्का हल्का लगाना, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि बस छोटा मेटल है, इसके ऊपर सिर्फ मेटल बैठ जाए बस हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को जो है कि गोंद लगा देनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक एक करके इस मेटल को इस तरह से बैठा देंगे जो कि ये देख सकते हो, इस तरह से बैठा देना है। और हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर जो आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे नक। अब इसके ऊपर हमें मारना है पहले गोंद, इस तरह से हल्का हल्का गोंद देना है, ज़्यादा गोंद भी नहीं देना, बस इसके ऊपर स्टोन लगाना है। तो इसे हल्का हल्का गोंद दे देंगे हम लोग इस तरह से, देख सकते हो। तो ये गोंद लगने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद इसके ऊपर फ्रेंड हम लोग लगाएंगे इस रेड कलर का नक जो कि यह है 13 नक का नक बोलते हैं इसको, 13 नंबर नक है ये। तो इसे जो है हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये देख सकते हो इस तरह से है ये, और इसके ऊपर हम लोग लगा लेते हैं इस तरह से। और फ्रेंड अगर जो आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे आपको इसकी रिप्लाई दी जाएगी, हम हमेशा आपके लिए बैठे हुए हैं। तो ये हमने लगा दिया है इस तरह से, देख सकते हो कैसे लगाना है। ये एक तिल्ली है, इसी से लगाई जाती है इस तरह से, कोई इसके लिए मशीन वशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हाथों से इसको जो है कि बनाया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मशीन से बनता है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, हाथ से ही बनाई जाती है। तो देख सकते हैं हमने बना दिया है इसे, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस तरह की बना है और आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। और भी आपको कुछ डिज़ाइन दिखा देते हैं हमने जो बना कर रखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एक तिलक में बनाया है, LCD नग दिया है, इसके ऊपर कलर नग भी दिया है।